पूर्णिया से राजद उम्मीदवार बीमा भारती ने आज पप्पू यादव को खरी खरी सुना दी। उन्होंने कहा कि मैं अब तक चुप थी और बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे मजबूरन बोलना पड़ेगा। मुझे पता है कि पप्पू यादव चुनाव कैसे लड़ते हैं और जनता को भी सब कुछ पता है। बीमा भारती ने बताया कि राजद गठबंधन के सभी घटक दल उनके साथ हैं। पप्पू यादव कुछ लोगों को तोड़ना जरूर चाहते हैं, लेकिन मजबूत स्तंभ की तरह हम पार्टी गठबंधन के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पूर्णिया की जनता को गुमराह कर रहे हैं, माँ और बेटी का रिश्ता बता रहे हैं, जबकि उनका संबंध पूर्णिया से है ही नहीं। सच में पूर्णिया का रिश्ता बेटी और बहू का मेरा है। अब तो सब कुछ हो गया है। पप्पू यादव अभी तुरंत बयान दिए कि पूरा राजद का जो कुनबा है उनके साथ है अल्पसंख्यक कुनबा, तो काफी असर डालेगा। देखिए अभी जो कहने को तो कुछ भी कह सकता है, और समय आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि राजद का, कांग्रेस का, कम्युनिस्ट का, माले का और हमारे जो मुकेश सहनी जी का, सभी का महागठबंधन के जितने भी हमारे कार्यकर्ता है और सभी साथी हमारे साथ आपको देखने के लिए मिलेगा हर क्षेत्र में। और सब लोग अभी घूम रहे हैं, कोई कहीं है कोई कहीं है, ऐसा नहीं है कि उसके साथ में आए। वो देखिए उसका काम है कि बाहर से लोग लाते हैं, कहीं सहरसा से तो कटिहार से तररिया से भागलपुर से, हम कहीं से नहीं लाते हैं। हम मेरा जितना भी महागठबंधन का कार्यकर्ता है, जनता है, सब पूर्णिया का है। पूर्णिया से लेकर के हम साथ में घूमते हैं, सब जगह जाते हैं। उस तरह से नहीं है कि हम कहीं से ला करके हो करवाना और इस तरह से जो है ना कि लोग को गलत फहमी में डालना, या उनका यह गलत सोच है कि राजद का सभी लोग हमारे साथ है। गलत फहमी में जो जी रहे हैं उसको जो है वो बाहर कर दे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। समय आएगा तो आपको पता चलेगा कहाँ लोग हैं। अच्छा, वो बार बार ये कहते कि हम पूर्णिया के बेटा हैं, पूर्णिया हमारी माँ है, आप भी तो पूर्णिया के। तो पूर्णिया का वो कह रहा है पूर्णिया हमारी माँ है, पूर्णिया के बेटा है, तो हम कहाँ के हैं, हम थोड़े बाहर के हैं। हम भी तो पूर्णिया के बहू बेटी हैं, हम भी तो पूर्णिया से, रुपौली विधानसभा पूर्णिया से बाहर थोड़े हैं। पूर्णिया में सेवा करते आ रहे हैं, रुपौली विधानसभा में एक बार नहीं 5 बार से हम विधायक बनते आ रहे हैं। हमारे जनता ने जिताने का काम किया है, तो मेरा जो है पूर्णिया पर क्या अधिकार नहीं है क्या? यहाँ के बहू बेटी नहीं है क्या? खाली वही बेटा है। ये सब जो है ना, देखिए ये सब ड्रामा कर रहे हैं, लोग को भयभीत करने का काम कर रहे हैं। इस तरह से नहीं करना चाहिए। अपना चुनाव लड़ रहे हैं, लड़िए, किसी को गलत फहमी में मत डालिए। अच्छा, जिस तरह से वो कांग्रेस के बैनर की बात कर रहे हैं, उसके बारे में ये बताइए, उसके बारे में कोई कंप्लेन किए हैं गठबंधन के लोगों को? हाँ किए हैं। हम तो जो प्रदेश अध्यक्ष है आदरणीय अखिलेश भाई, जो उनसे हमें बात किए हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके घर पर जो झंडा लगा हुआ है उसको उतारिए। अब पूर्णिया का जनता कौन नहीं जानता है पप्पू यादव के बारे में? सभी लोग जानते हैं, चुनाव भी यहाँ से लड़े हैं, तो भली भांति सब समझते हैं कि कैसा आदमी है, कैसा काम किए हैं। एक अति पिछड़ा के बेटी, एक गरीब गुरबा के बेटी को महागठबंधन से उम्मीदवार बना करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने, हमारे भाई आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने महागठबंधन से हमको यहाँ पर उम्मीदवार बना करके भेजा है। इतना तकलीफ हो गया है, किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अपना अपना काम करना चाहिए और सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, किसी को मना नहीं है। इस तरह से गलत फहमी में लोग को नहीं डालना चाहिए। हम बस यही निवेदन करेंगे। अब पूर्णिया का जनता सबको समझ चुका है कितना पूर्णिया परेशान है, कितना क्या क्या किया है, सब लोग जानते हैं। अब बोलने लगेंगे तो बहुत कुछ बोल देंगे, इसलिए हम अभी बोलना नहीं चाहते हैं। बस जहाँ भी वो जा रहे हैं अपना वोट मांगे, हम अपना वोट मांगेंगे। क्षेत्र में किस तरह से लोगों का प्यार है? बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, सभी जगह हम जा रहे हैं, जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। वहीं पप्पू यादव ने बताया कि राजद के अल्पसंख्यक मोर्चा की पूरी टीम उनके साथ आ गई है। वहीं कांग्रेस के आला अधिकारियों का उन्हें समर्थन प्राप्त है। कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बारे में दिए गए बयान पर पप्पू यादव ने कहा कि अखिलेश बाबू गठबंधन धर्म निभा रहे हैं और उन्हें ऐसा करना भी चाहिए।
अध्यक्ष के रूप में आप मैदान में आ चुके हैं, क्या देख रहे हैं इस परिस्थिति? निर्दलीय प्रत्याशी जनता के प्रत्याशी जन प्रत्याशी के रूप में, और देश 130 करोड़ के लोगों के दिल में मैंने जगह बनाया है, उनका आशीर्वाद और उनकी भावना है कि इस देश में जाति पाति की राजनीति खत्म हो, हिंदू मुसलमान की राजनीति खत्म हो, और दलों में जो अहंकार है, जो अपने अहंकार के बदौलत एनडीए को मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए पूरे कांग्रेस के वर्कर चाहते थे कि मैं लड़ूं, और पूरे पूर्णिया के परिवार का था कि पप्पू ही लड़े, अगर हम तो मधेपुरा सुपौल चले जाते, आज तक वहां कैंडिडेट घोषणा नहीं हुआ मधेपुरा सुपौल, आठ के बाद ही करेंगे, यानी अभी भी पप्पू का इंतजार हो रहा है। आप खुद देख लीजिए ना, पूरे बिहार का कैंडिडेट का घोषणा हो गया, मधेपुरा और सुपौल का कैंडिडेट का घोषणा ही नहीं हुआ। सर क्या अभी भी प्रेशर पड़ता है कांग्रेस पे? सवाल ही नहीं उठता भाई, कांग्रेस के एक एक वर्कर पूर्णिया आएंगे। लेकिन कल जिलाध्यक्ष तो कह रहे थे कि जो आप चलिए, मैं दूसरे तीसरे किसी की बात पे नहीं जाता हूँ, कांग्रेस लीडरशिप और पूरा कांग्रेस देश का वर्कर, जैसे अमेठी रायबरेली हम लोग के लिए ज्ञानवाद बहुत ही सम्मानजनक और प्रतिष्ठा का है, उसी तरह बिहार के वर्कर और जो भी लोग बिहार में ए टीम बी टीम, मैं क्या बोलूं, क्या है लो? जो लोग हर जगह बाहर से लाके कैंडिडेट खड़ा कर रहे, और जो आदमी मुकेश सहनी को कभी तरजीह नहीं दिया, भाव नहीं दिया, गोपालगंज उनको सीट दे दिया, गोपालगंज आज तक बीजेपी के अलावे कोई जीता ही नहीं, तो सीट दे दिया गोपालगंज, आप ऐसे सीट दे दिए जहां आपको उस सीट को फेंकना था, तो आप कौन सा रिस्पेक्ट दिए? मुकेश सहनी जी सीट कोई और मांग रहे थे, सीट मांग रहे थे दरभंगा, सीट मांग रहे थे कोई और, आपने लास्ट में जब आपने छटपटाहट के कारण, तो चलिए देर आए दुरुस्त आए, उनको उस तरह सम्मान भी देना हो। अच्छा, उस दिन तेजस्वी यादव पूर्णिया भी आए थे और उन्होंने आप पर भी कई तरह के अप्रत्यक्ष रूप से, चलिए धन्यवाद प्रणाम, वो तो दुनिया को पता है, वो दुनिया को पता है कांग्रेस और ममता बनर्जी लड़ रही है, छोड़ कौन है उसमें बेटा, ममता जी की कांग्रेस कौन है, बयानबाट में राजा डी राजा की पत्नी लड़ रही है कांग्रेस के खिलाफ, कौन है आप? आप 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 झारखंड में आप कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ दे दिए, तो कौन है आप? कांग्रेस की परंपरागत सीट छीन ली, तो कौन है, क्या कर रहे हैं आप? और हर जगह जो आरजेडी के मूल नेता लोग हैं सब जगह खड़े हो गए, चाहे राजवल्लभ यादव जी का विनोद जी हो, चाहे साबुदी जी की पत्नी हो, सब जगह आप कौन है बताइए ना। कांग्रेस के कुछ लोग अभी भी नाम वापसी का दावा बना रहे हैं, क्या कोई नहीं सब कांग्रेस के साथ है, अध्यक्ष
कि जिम्मेदारी है महागठबंधन धर्म को निभाना, वो अच्छा कर रहे हैं और उस अपने दायित्व का पालन कर रहे हैं। सारे कांग्रेसी मेरे साथ, मुझको इस सब चीज नहीं पता, भैया ये सब कुछ पता नहीं। वो यहाँ पर पूरी जनता, पूरे जात कास्ट धर्म मजहब सब, सर इस लोकसभा चुनाव में नीतीश जी का दल बदल होना क्या सब कुछ खत्म हो चुका है। यहाँ जनता चुनाव लड़ रही है, ना मेरे पास पैसे है, ना मेरे पास कुछ भी है, ना दल है। यहाँ ये राजद अल्पसंख्यक मोर्चा का भी समर्थन मिला है आपको? नहीं, पूरा ज्वाइन कर लिया गया, टोटल मर्ज कर दिया। आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, टोटल पूरा प्रखंड, पूरा अल्पसंख्यक पूरा समर्थन है। जो MY का समीकरण कहा जाता था, नहीं नहीं, वो MY समीकरण है, यहाँ सभी जाति धर्म, यहाँ MY बाप दादा नाना ए टू जेड इस सबको ना बात नहीं, यहाँ परिवार है सब, यहाँ वो ए टू जेड बाप दादा, यहाँ राजनीति नहीं है और मैं राजनीति जानता भी नहीं हूँ और मुझे जानना भी नहीं है। जो रिश्ता है इमोशनल रिश्ता है, फीलिंग है और बिल्कुल खून का रिश्ता है और उस विश्वास के साथ रहें ना रहें चलते रहते हैं। इसीलिए ये सब बकवास बात है। जब मैंने कह दिया कि कोई जाति धर्म मजहब बचा ही नहीं, कोई बैरियर बचा ही नहीं, हर घर में माँ बेटी सिवाय पप्पू यादव के दूसरी बात ही नहीं करती, तो आपको दिख जाएगा सब, सब ये सब बात।